हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलूज मिनी गार्डन। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के ऊपर है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो चुका है। इस वक्त अपनी कंट्री में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूटेंट्स बहुत बढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन प्लांट्स के बारे में, जिनको कि हम घर में लगा सकते हैं और वो हमारे इनडोर एयर को प्यूरिफाई करते हैं, इनडोर पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको ख़त्म करते हैं, ताकि हम घर के अंदर शुद्ध सांस ले सकें। फ्रेंड्स, जब भी बात होती है इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स की, तो एक नाम जो सबसे आगे आता है वो है बीसी बिल वॉल्वेटरॉन का। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने पायनियर करी थी एक रिसर्च, जिस रिसर्च का मेन एम था ये पता लगाना कि ऐसे कौन से इंटीरियर या इंडोर प्लांट्स हैं जो कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडोर एनवायरनमेंट में से रिमूव कर देते हैं। इन्होंने 1980s में एक रिसर्च करी थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि अपने घर में एक चैम्बर बनाया था, उस चैम्बर में पॉइजनस गैसेस को इंट्रोड्यूस किया था और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया था, और ये स्टडी किया था कि किस प्लांट का कौन से केमिकल पे क्या इफेक्ट आता है। इनकी इस रिसर्च की फाइंडिंग्स 1984 में जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी में रिलीज हुई थी, जिसके बाद इनको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बना दिया गया था नासा की क्लीन एयर स्टडी का। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स की, जो कि नासा ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किए हैं और जिसे हम अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मेरे ड्राइंग रूम में कौन से ऐसे इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं और वो कौन कौन से केमिकल्स को हमारे घर से रिमूव करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सबसे पहला प्लांट है जो हमारे ड्राइंग रूम की सेंसिटिविटी पे है, ये है बॉस्टन फर्न्स का। और फर्न्स जो हैं वो हमारे घर से ज़ाइलीन नाम के पॉल्यूटेंट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। नासा की स्टडी में ये भी बताता है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड नाम के पॉल्यूटेंट्स को भी रिमूव करता है। इस प्लांट को बहुत ही लो लाइट चाहिए होती है और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। इसकी सॉइल को आप जितना मॉइस्ट रखेंगे उतना अच्छा है इस प्लांट के लिए, इतने अच्छे से ग्रो करेगा और कोई ज़्यादा केयर नहीं चाहिए इस प्लांट को। तो दिस इज अ मस्ट फॉर एवरी हाउस। फ्रेंड्स, जो दूसरा प्लांट नासा की लिस्ट में है वो है पीस लिली का। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लाश ग्रीन प्लांट है, उसमें वाइट कलर की लीव्स आई हुई है। ये इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। मेरे घर में इसके 2-3 वेरियंट्स हैं, मैं आपको दोनों तीनों वेरियंट्स दिखाऊंगी। ड्राइंग रूम में हमने इसे रखा हुआ है और बहुत सुंदर भी लगता है ये, क्योंकि इसमें फ्लारिंग होती रहती है टाइम टू टाइम, एंड इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द रूम। ये एक एस्थेटिक सेंस लेके आता है, एक नेचुरल एलिमेंट लेकर के आता है सबके ड्राइंग रूम में और एयर टू प्यूरीफाई करता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्लांट नासा के लिस्ट में है वो है स्नेक प्लांट है। इसे मदर इन लॉ टैंक प्लांट भी कहा जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ईजी टू मेंटेन होता है, रिक्वायर्स वेरी लेस वाटर और लाइट भी इसको बहुत कम चाहिए होती है। तो आप वंस इन अ वीक इसे लाइट दिखा सकते हैं, वंस इन अ वीक इसे वाटर कर सकते हैं। इस प्लांट का बेस्ट पार्ट ये है कि ये रात में भी ऑक्सीजन एमिट करता है और ये स्लीपिंग एड है, सोने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये है रेड एज ड्रेसिना का, और इसमें एक तरफ लीफ अंदर की तरफ पर्पल कलर की होती है और ऊपर की तरफ ग्रीन कलर की होती है, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है टू रिमूव अ केमिकल विच इज नोन एज ट्राइक्लोरोथ्रीन। और ये जो केमिकल है ये घर में आता है पेंट रिमूवर्स के साथ, वैनिश रिमूवर्स के साथ, जो कि हम इनहेल कर लेते हैं, ये उसको ओवरकम करने में हेल्प करता है। दे आर दीज प्लांट्स आर वेरी ईजी टू ग्रो और इनको मेंटेन करना भी बहुत ईजी है, और ये 1 meter तक ऊँचे हो जाते हैं और काफ़ी सालों तक रहते हैं अगर हम इसकी ठीक से देखभाल करें। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये पाम की एक वैरायटी है, और पाम की वैरायटीज़ को नासा ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है, क्योंकि ये फिल्टर आउट करते हैं ज़ाइलीन को हमारे इंडोर एनवायरनमेंट में से। कॉमन है और हमारे मन में अक्सर ये आता भी है कि हम कितनी जगह में कितने प्लांट्स रखें, मतलब प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है एरिया वाइज। तो नासा ने रिकमेंड किया है कि हम एटलीस्ट एक प्लांट पर 9 square meters के एरिया में होम और ऑफिस में अपने रखें। प्लांट जो बहुत कॉमन है इंडोर एयर प्यूरिफाइंग के लिए वो है पोथोस, गोल्डन पोथोस, या हम इसे इंडिया में मनी प्लांट भी कहते हैं। ये वाटर में भी ग्रो होता है और सॉइल में भी ग्रो होता है और बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है, बहुत केयर नहीं मांगता है। तो ये बहुत अच्छा इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, इट्स मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस।
और इसे तो इंडिया में गुड लक के साथ भी जोड़ते हैं। तो ये हम सबके घर में होना चाहिए, ना सिर्फ इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा बल्कि गुड लक भी लाएगा सबको। रबर प्लांट भी बहुत अच्छा इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती, नहीं तो इसकी लीव्स जल जाती है। हम इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी हार्डी इंडोर। फिर से जो नेक्स्ट प्लांट है मेरे ड्राइंग रूम में है लकी बैम्बू का, और इसे वाटर में ग्रो किया है मैंने। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्यूट से महात्मा गांधी का एक प्लांटर मुझे मिला था, जिसको कि मैंने ले लिया उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी जो कि अभी अभी बीती है, और उसने इसको लगाया और बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड इट ब्रिंग्स गुड लक ऑल्सो। और इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट सब देख सकते हैं। ये पीसीबी का दूसरा प्लांट है मेरा, इसे मैंने एक आउल शेप के प्लांटर में लगाया है और बहुत सुंदर लगता है घर में, बहुत पॉजिटिविटी भी लाता है और एक एस्थेटिक एलिमेंट, एक ब्यूटी का एलिमेंट, एक नेचर का एलिमेंट है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं एक और लकी बैम्बू का प्लांट है, ये थोड़ी हाइट इसकी ज़्यादा है, इसको मैंने एक बड़े से घास के वास में लगाया हुआ है। और इसी के जस्ट नीचे मैंने एक छोटे से प्लांटर में पाम की एक वैरायटी लगाई है, और उसके लिए मैंने एक DIY करके एक स्टेयर्स भी बनाई है कि कोई इस पे चढ़ के जाए, और वहाँ पे एक मशरूम भी रखा है जैसे कि आप सब देख सकते हैं, और लॉर्ड बुद्धा का भी एक छोटा सा एक बुद्धा का स्टैचू रखा है कि जो कि मेडिटेट कर रहा है। तो इंडोर एयर प्यूरिफाइंग तो है ही ये प्लांट्स, बट एक ये कामनेस और एक पीसनेस और सूडनेस भी ऐड करते हैं मेरे घर में, मेरे ड्राइंग रूम में। मैं अब जल्दी से आप सबको एक क्विक व्यू दिखाती हूँ पूरे ड्राइंग रूम में। हमने कुछ शोपीसेस रखे हैं और एक मनी प्लांट का वेरिएंट ऐड किया है, उसके जस्ट बगल में थोड़ी सी स्पेस थी तो यहाँ पे हमने जो है रबर प्लांट है, लकी बैम्बू है, पाम के दो वेरिएंट्स हैं, और एक का कुशन भी रखा है जिसपे कि YouTube लिखा हुआ है। ये आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए मैंने ऐड किया, आपको कैसा लगा मुझे बिल्कुल बताइएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये सोफे के साइड में हमने दो एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स और रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर टेबल पे फोन का एक वेरिएंट है, इधर कॉर्नर में हमारा पीस लिली है, स्नेक प्लांट है, अनदर पीस लिली ना ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू। कॉर्नर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ड्रेसीना और जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही हार्डी इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। इस कॉर्नर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक स्टैंड में लकी बैम्बू है, पीस लिली है और मनी प्लांट का वेरिएंट है। और मैं जल्दी से एक का 360 डिग्री व्यू दे देती हूँ आपको, जस्ट टू शो कि कौन कौन से इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स मैंने अपने ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं। और अगर आप लोगों को बेडरूम में कौन कौन से इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होने चाहिए उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर subscribing to my channel.